तो हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल, एकदम मस्त। तो भाई फाइनली सैमसंग अपने गैलेक्सी S23 सीरीज के सक्सेसफुल होने के बाद अब सैमसंग अपनी नेक्स्ट सीरीज को लॉन्च करने वाली है, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज को बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाली है। अब जिसके अंदर आपको पूरे 3 स्मार्टफोन दिखने वाले हैं। नाम है सैमसंग गैलेक्सी S24, दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस, और एक है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ये 3 स्मार्टफोन बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस के बारे में, क्योंकि ये गीकबेंच पर लिस्ट हो चुका है और मेरे सोर्स की तरफ से कुछ रूमर्स निकल सामने आए हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कमेंट करके पूछेंगे भाई साहब कब तक लॉन्च होगा, तो ये इस साल तो नहीं, अगले साल 2024 में ही लॉन्च होगा। फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि फरवरी के मंथ में सैमसंग अपनी गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट लॉन्च करती है, जिसके अंदर आपको यही तीनों स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। तो फरवरी के मंथ में रेडी रहिएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे गैलेक्सी 24 प्लस के बारे में कि क्या इंप्रूवमेंट लेके आ रही है, क्या खास है, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को ना लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हैं आपका खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं। तो हाँ जी दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। नो डाउट यहां आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगी, ग्लास बैक, टाइटेनियम फ्रेम और ग्लास फ्रंट देखने को मिलने वाला है। अब इस बार आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलने वाला है, तो थोड़ा सा कॉस्टली तो होने ही वाला है। एल्युमिनियम फ्रेम ठीक था भाई हम लोग के लिए, मेटल एल्युमिनियम सही था। अब टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलेगा, जो कि आपको एप्पल के आईफोन देखने को मिलता है। अब ये स्मार्टफोन थोड़ा सा कॉस्टली तो जाहिर सी बात होने वाली है, लेकिन फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। इस फोन का वेट बताया जा रहा है 230 ग्राम, थिकनेस 8.9 mm, साथ ही IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी शानदार तो है, लेकिन मेरे साथ टाइटेनियम की कोई जरूरत नहीं था, एल्युमिनियम तो ठीक था। यहाँ पर फालतू में यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी ट्रैक हिस्ट्री देखें सैमसंग की, ज़्यादा कुछ चेंजेस करती नहीं है, तो कुछ वैसे देखने को मिलने वाला है। वही बैक साइड देखेंगे, जिस पर आपको टॉप पे टोटल 4 कैमरे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर LED फ्लैश के साथ नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर बॉडी टू रेशियो आपको अच्छी रहेगी, कोई नो डाउट, खराब नहीं होने वाली है। कलर्स की बात करें, कलर्स आपको वही मिलेंगे, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, पर्पल होगा, यहाँ पर हो सकता है ग्रीन कलर भी देखने को मिल जाए। अभी कुछ अपडेट यहाँ पर तो फिलहाल है नहीं, यहाँ पर तो देखते जैसा होगा। लेकिन अब बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ को मिलेगा 6.8 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट का 2x डायनेमिक एमोलेड पैनल, 2400x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 393 ppi के पिक्सल डेंसिटी, 1750 nits की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1, डॉल्बी विजन। तो देखी जाए सपोर्ट तो अच्छी है, अब एक रूमर से हो सकता है आगे चल के चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन 10 बिट कलर तो आपको अच्छे मिलेंगे। सैमसंग के डिस्प्ले भी नो डाउट अच्छे होते ही हैं, ब्राइटनेस यहाँ पर अच्छी दी रखी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी नो डाउट अच्छी होने वाली, कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पर। रिफ्रेश रेट टच सैंपलिंग अच्छा दिया रखा है, गेमिंग करने में, कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाली, कंटेंट कंज्यूम करते हैं यहाँ पर आपको HDR10+, वाइड वाइन L1, डॉल्बी सारे सपोर्ट है, यानी कि अमेज़न नेटफ्लिक्स कंटेंट HD में रगड़ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें परफॉर्मेंस की, तो भाई गीकबेंच पर लिस्ट हो चुका है, कंफर्म हो चुकी है कि इस फोन को शक्ति देगा क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पर बनाया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी ना भाई साहब मस्त रहती है, हीटिंग असर काफी कम देखने को मिलने वाला है, थर्मल मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा यहाँ पर। यदि हम देखें इसको मतलब रॉ की तरफ नजर डालते हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 1 Cortex X4 जो कि 3.3 गीगा से क्लॉक किया गया है, वहीं 3 Cortex A720 जो कि 3.15 गीगा से क्लॉक किया जाएगा, वहीं 2 Cortex A710 जो कि 2.96 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया जा सकता है, 2 Cortex A510 जो कि 2.27 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया जाएगा। तो अभी ये यही सामने निकल के आया है। अब A710 की A715 भी डाउट है, और A715 होनी चाहिए हमारे ख्याल से यहाँ पर, लेकिन गेमिंग भी आप अच्छी खासी कर सकते हैं, बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस निकल देने वाला है। गेमिंग करेंगे यहाँ मिलेगा एड्रीनो 750 GPU साथ ही LPDDR5X RAM UFS 4.0 देखने को मिलने वाली है। रीड राइट की स्पीड नो डाउट भाई साहब शानदार आने वाली, कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। बात करें 5G बैंड की, तो 17 5G बैंड बताया जाने देखने को मिलने वाली है। ऑन टूटस की बात करें 17 लाख के आसपास देखने को मिलती है, जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। बात करें कैमरास की, तो बताया जा रहा है 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, वहीं 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 3x ऑप्टिकल जूम साथ ही OIS सपोर्ट के साथ, वहीं 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा जो 10x जूम प्लस 100x स्पेस जूम के साथ।
तो भाई साहब कैमरा तो देखने में अच्छा लग रहा, 4 है कि 3 मिलेगा, भी कुछ अपडेट नहीं, रूमर्स है, लेकिन जो 200 मेगापिक्सल कंफर्म है, बताया जा रहा है कि पिछले वाले से थोड़ा सा जूमिंग यहाँ पर जो आप करेंगे ना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ देखने को मिलने, बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन रियर से आप 8K 24 FPS, 4K 60 FPS, 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते, 60 का ऑप्शन मिलेगा, 30 का ही मिलेगा, 1080 आपको 480 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। रही बात आपकी खूब से अच्छे कैप्चर करने के लिए, रील शॉर्ट्स बनाने के लिए, तो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। नंबर में मत जाइएगा, सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन शानदार होती है, 4K और 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा से कोई शिकायत आने वाली ही नहीं है, जबरदस्त होने वाली है। बात करें बैटरी की, यहां मिलेगा 4900 mAh की बैटरी, 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट, 25 वॉट की वायरलेस और 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्ज सपोर्ट देखने को मिल सकता है। चार्जर बॉक्स देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए 45 वॉट का मिला है, ठीक है, यहां पर तो और सपोर्ट देना चाहिए था। बैटरी बैकअप का इजी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं, और सैमसंग का ऑप्टिमाइज है तो भाई बैकअप देगा ही। लेकिन बात करें सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सारे सेंसर मिलेंगे, कोई कमी नहीं है। सब मिलेंगे, यूएसबी टाइप सी मिल जाता है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलेगा, लेकिन 3.5 ऑडियो जगह ना ही कोई कार सो देखने को मिलने वाला है। अभी कुछ अपडेट नहीं है, अब कुछ एक तरह से पता चला है कि हो सकता है यहां पर आपको एक फिजिकल और एक नैनो सिम देखने को मिल सकती है, अभी कुछ अपडेट नहीं है, ऐसे सोर्स बता रही है, बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन बात करें सॉफ्टवेयर की, तो एंड्रॉइड 14 One UI 6 के साथ देखने को मिलने वाला है, लेटेस्ट एकदम है, और इसकी पॉलिसी आपको पता ही है 4+5 का होता है, 4 साल एंड्रॉइड, 5 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाती है, मैं खुद यूज कर रहा हूं। लेकिन बात करें वेरिएंट्स की, तो यहां बताया जा रहा है कि फिलहाल 3 वेरिएंट्स कंफर्म हुए हैं। पहला तो है दो गीगबेंच दिख चुका है, 8+256, 12+256 और 12+512। अभी एक पहला जो है कंफर्म है, बाकी दो थोड़ा सा बताया जा रहे हैं, हो सकता है एक आध और हो सकता है, एक घट भी सकता है, कोई ठीक नहीं है, लेकिन यही वेरिएंट्स है। अब बात करें इसकी प्राइस क्या होगी, तो उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन रही बात प्राइस की, प्राइस सामने नहीं आई है। देखिए टाइटेनियम मिलने वाला इस बार फ्रेम, तो भाई साहब नो डाउट प्राइस इंक्रीज होने वाली है। अब आपके हिसाब से क्या लगता है इसकी प्राइस क्या हो सकती है, बताएं कमेंट सेक्शन में, और क्या आप इसमें इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा जरूर। लेकिन अभी के लिए उसको इजाजत, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।